मेरे चैनल गुजराती किचन्स को और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती किचन्स में। तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ चूरमा लड्डू की रेसिपी। चूरमा लड्डू मैं आपको चीनी वाले की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 1 किलो गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मैंने मोटा यूज़ किया है, उसके लिए आप लड्डू का आटा भी बोल सकते हैं, आपको ये बाज़ार में इजीली मिल जाएगा। तो अभी जो आटा है उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 बड़े चम्मच तेल। तेल इसके अंदर ज़्यादा लगता है, और अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। हमें आटे और तेल को अच्छे से मिक्स करना है। लड्डू बनाने के लिए हमें मोन ज़्यादा डालना पड़ता है, तभी हमारे लड्डू अच्छे से बनेंगे। तो आप ये आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और थोड़ा गुनगुना पानी भी रखें। हमें आटे को गूंदने के लिए हमें, अगर आपको तेल कम लगे थोड़ा और डाल के अच्छे से उसको मिक्स कीजिए। हाथ में आप लेके चेक कर सकते हैं, अच्छे से हाथ में आ रहा है आटा, तो हमारा जो आटा मोन लग के रेडी है। अभी उसके अंदर मैं ऐड करूँगी गुनगुना पानी, और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से गूंद लूँगी। ध्यान रखें कि हमें बहुत हार्ड आटा नहीं गूंदना है, एकदम हल्का और मीडियम तरीके से ही हमें गूंदना है। आप देख सकते हैं मैं अच्छे से उसको गूंद रही हूँ। तो ये मेरा आटा अच्छे से गूंद के रेडी है। ध्यान रखें कि आटे को बहुत हार्ड ना गूंदे, एकदम हल्के हल्के हाथों से आप उसको गूंदे। इसको मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो इसको मैं अच्छे से उसको एक गीले कपड़े के अंदर डाल के उसको ढक दूंगी। साइड में मैंने तेल भी गरम करके करने के लिए छोड़ दिया है, इसको फ्राई करने के लिए। तो आप 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो हमारा जो आटा है अच्छे से लग के रेडी है। इसको हमें पकौड़े की साइज़ में, यानी कि आप उसको मुठिया भी बोल सकते हैं, ऐसे उसको शेप दे देना है। इस तरीके से मैंने आपको दिखाया वीडियो में, उस तरीके से हमें जो आटा है उसका सारा इस तरह का लोई बना लेना है। तो साइड में मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है, और अच्छे से उसको फ्राई करना है। अच्छा सा एक कलर आ जाए गोल्डन कलर का, तब तक हमें उसको फ्राई करना है। ध्यान रखें कि फ्राई करने में जल्दबाजी ना करें। तो ये मेरा देख सकते हैं आप, अच्छे से कलर चेंज हो गया है, अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। इसको मैं निकाल दूंगी, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ध्यान रखें कि गरम गरम मिक्सर में ना पीसे, उसको ठंडा होने के बाद ही मिक्सर में पीसे। तो तोड़ के मैं अच्छे से उस मिक्सर क्रश में करने के लिए डाल दूंगी। आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि कच्चा है कि नहीं, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं जो ठंडा है उसको मैं फ्राई मिक्सर में क्रश कर लूँगी। एकदम पाउडर करना है हमें, और अच्छे से क्रश कीजिए। अगर आप मोटा रह जाता है तो आप छन्नी की मदद से, बड़ी छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं, लेकिन आप 2-3 बार मिक्सर में चलाएंगे तो अच्छे से ऐसा पाउडर मिल जाएगा, रवा जैसा। उसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी 200 ग्राम पाउडर चीनी। इसके अंदर हमें पाउडर चीनी यूज़ करना है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा आटा मैंने निकाल दिया है, क्योंकि गुड़ का लड्डू भी बनाना है। मैं आपको वो दूसरी रेसिपी में बताऊंगी, मैं ये चीनी वाले लड्डू आपको वो दिखा रही हूँ। चीनी डालने के बाद अभी मैं ऐड करूँगी
ड्राई फ्रूट आपके मनपसंद डाल सकते हैं। मैंने लिया है किशमिश, काजू और बादाम। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इलायची पाउडर आधा चम्मच जितना, ज़्यादा पसंद है तो डाल सकते हैं। पाउडर लिया है मैंने इलायची पाउडर, और इस सब सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। घी हमें डालना है, घी को थोड़ा गर्म करके ही डालना है हमें। चीनी वाले लड्डू में थोड़ा घी ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं उसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी ऐड करूँगी। मैंने घी करीब 200 ग्राम जितना लिया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से लड्डू शेप में आने लगे आप मिक्स करके चेक करने के बाद थोड़ा कम ज़्यादा घी डाल सकते हैं। मैं घी डालने के बाद आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम लड्डू के शेप में बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा मिश्रण है, अच्छे से लड्डू घी और सब अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मैं इस तरह से लड्डू बना लूँगी, सारे लड्डू को हम बना लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस तरह से लड्डू बना लिया है। इस तरीके से मैं दूसरा लड्डू भी बना लूँगी, आप देख सकते हैं। तो मेरे सारे लड्डू बनके एकदम रेडी है। उसके ऊपर मैं अभी ऐड करूँगी खसखस। उसको ऐसे ही ऊपर हाथ से उसको इसके ऊपर चिपका दीजिए। खसखस डालने में लड्डू का शेप, लड्डू दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये मेरे लड्डू बनके रेडी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।